करेंगे, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की हुई है उसका चैप्टर नंबर 9। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, बहुत ही आसान था, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखें। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है बहुत उस दिन हमने किया था डिग्री को रेडियन में, आज हमने बेटा करना है रेडियन को डिग्री के अंदर। बहुत आसान है, पहले हम सीख लेते हैं कि जिस तरह हमने डिग्री को उस दिन भी मैंने बताया था, जिन बच्चों ने मेरे पहला लेक्चर देखा उनको तो ये चीज़ पता होगी, लेकिन जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो देख लें ज़रा कि जो डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता था 180 ओवर पाई, मतलब जिसके अंदर पाई आ जाता था इसका मतलब बेटा क्या था कि वो रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर जिसमें 1 जो रेडियन है वो किसके अंदर है जी, 180 ओवर पाई। अब यहाँ पर भी तो पाई आ गया ना, लेकिन बेटा ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं सारे के सारे पार्ट इसके एक एक क्वेश्चन, मैंने कहा था इंशाल्लाह मेरी कोई भी वीडियो देखे मैं उसमें ये रिमेम्बर आपको जरूर याद करवाता हूँ कि मैं कहा था एक एक क्वेश्चन करूँगा, लिहाजा एक एक क्वेश्चन आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। अच्छा बेटा, मैंने ये बात की है कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है जी, मल्टीप्लाई करना है थोड़ी पाई ओवर 180 के साथ। तो अगर 1 रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है 180 ओवर पाई के साथ, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे के अंदर पाई आता है, मतलब ये सारे के सारे रेडियन फॉर्म में है, इनको कन्वर्ट करना है डिग्री फॉर्म में, इनका मतलब यह है कि इन सब के पाई खत्म करने हैं, जिसमें पाई नहीं होगा हमें खुद बहुत पता चल जाएगा ये डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, ये तो चीज आपको समझ आ गई होगी, चूंकि ये डिग्री को हम रेडियन के डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई, ये मैं पहले बता दिया, लिहाजा अब इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कन्वर्ट दी फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल, जो रेडियन में एंगल दिए गए हैं, इनटू मेजर्स ऑफ सेक्सागेसिमल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि वी कैन फाइंड मेजर इन, यानी कि जिसमें हम फाइंड करते हैं मेजर करते हैं डिग्री मिनट सेकंड के अंदर, उस फॉर्म को हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है मतलब डिग्री में मिनट में सेकंड के अंदर आपका जवाब आ सकता है, आना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, बहुत आसान है, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हमने क्या करना है जी, पाई ओवर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ, ठीक हो गया। उसके साथ बेटा ये कटिंग होगी तो हमारे पास आ रहा है जी 180 ओवर पाई, 180 ओवर 8। तो लिहाजा ये आपने क्या करना है बेटा, इसको डिवाइड करना है, कैलकुलेट से ही काट लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा 180 डिवाइड 8। तो फाइनल बेटा हमारा जवाब आ रहा है 22.5 डिग्री। तो आपका जो आप जो है डिग्री मिनट सेकंड में आना चाहिए, लिहाजा आपका चूंकि बुक में मिनट भी सेकंड में भी कन्वर्ट है तो काट लेते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है कि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। हम 22.5 डिग्री, तो जब इसको करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 0.5, इसको मिनट के अंदर करना है, डिग्री टू मिनट जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर लिख लेंगे जी मिनट, तो लिहाजा 22 जमा इसको करेंगे बेटा क्या आ जाएगा जी 0.5 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ रहा है जी 30 मिनट। तो लिहाजा इसका जवाब आ गया 22 डिग्री 30 मिनट। लिहाजा मैं पहला क्वेश्चन चेक कर लें, हमारा पास वही था पाई ओवर 8। सेकेंड क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 6 180 ओवर पाई के साथ, ये पाई पाई कैंसिल हो गया तो 6 1 6 6 3 18, तो इसका सीधा सीधा जवाब आ गया 30 डिग्री। इसी तरह बेटा हमारा थर्ड पार्ट है पाई ओवर 4 है, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 180 ओवर पाई के साथ, पाई पाई हमारा कट गया, 4 1 4 4 4 16, 2 कैरी आ गया 20 बन गया, 4 5 20, तो हमारे पास 45 डिग्री जवाब आ गया। अच्छा बेटा नेक्स्ट करते हैं जी,
इसको भी इसी तरह करना है, पाई ओवर थ्री लिखा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे जी 180 ओवर है, पाई के साथ पाई पाई कैंसिल, 3 1 3 3 6 18, तो 60 डिग्री हमारे पास बेटा जवाब आ गया। देखिए कितनी आसानी से कन्वर्ट करते जा रहे हैं हम, पाई ओवर टू लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे जी 180 ओवर पाई के साथ, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 9 18, तो 90 डिग्री हमारे पास बेटा जवाब आ गया। इसी तरह ये भी बहुत ही आसान है, 2 पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे जी 180 ओवर पाई के साथ, पाई को खत्म करना है, पाई पाई कैंसिल, 3 1 3 3 6 18, 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास बेटा जवाब आ गया 120 डिग्री। इसी तरह बेटा ये भी इसी तरह हमने करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 पाई ओवर 4 लिखा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे जी 180 ओवर पाई के साथ, पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 4 16, 2 कैरी आ गया, 20 बन गया, तो 4 5 20, 3 को जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा जवाब आ रहा है 135 साल लगा देंगे डिग्री। इसी तरह बेटा ये भी बहुत आसान है, 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, 6 1 6 6 3 18, 5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 150 डिग्री। इसी तरह 7 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे जी 180 ओवर पाई के साथ, पाई पाई के साथ कैंसिल, तो ये कटिंग जितनी होती है आप करें, 4 से कर ले, 4 3 4 कितनी हो जाती है, अगर नहीं ना समझ आए तो वो भी आपको तरीका बता, तो 4 4 16, 2 कैरी आ गया, 4 5 जा, फिर कटिंग हो जाती है, 4 1 3 1 3, 1 कैरी आ गया, 15 बन गया, 3 5 15, 7 मल्टीप्लाई 15, तो 7 मल्टीप्लाई 15 हम कैलकुलेट से ही कर लेते हैं, मिस्टेक ना हो, तो 105 डिग्री बेटा हमारे पास जवाब आ गया। इसी तरह देखें कितनी आसानी से जल्दी जल्दी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी तरह आपने भी एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 9 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे जी 180 ओवर पाई के साथ, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो इसी तरह करें, आपको इस तरह तरीका सिखाने लगा, अगर जिस बच्चों को कटिंग नहीं करनी आती वो क्या करें, 9 को मल्टीप्लाई कर ले 180 के साथ, ये जवाब आता है जी 1620, तो डिवाइड कर ले 5 के साथ, डिवाइड कर लेना बेटा आपने 5 के साथ, खुद बहुत सीधा सीधा आंसर आ 324 डिग्री। इसी तरह ये भी ऐसे ही कर लेते हैं, 11 पाई ओवर 27 मल्टीप्लाई करना है जी 180 ओवर पाई के साथ, पाई पाई कैंसिल हो गया, इसी तरह 11 मल्टीप्लाई 180 लिख लेते हैं और नीचे आ गया 27, तो 11 मल्टीप्लाई 180 बेटा हमारे पास जवाब आ रहा है जी 1980, इसको डिवाइड कर लेंगे 27 के ऊपर, डिवाइड करें 27 के ऊपर, तो ये जवाब आपका आ रहा है किसमें 73.33 डिग्री। तो अब इसको हमने सेक्सा डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब मैंने आपको आगे भी बताया कि डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में आया लहजा पॉइंट में, तो पॉइंट को खत्म करने के लिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं जी ये करके, डिग्री ये प्रेस आपको डिग्री नजर आ रहा होगा बेटा, इसको डिग्री को प्रेस करना है और आपने आंसर लिख लिया, देखें डिग्री में कन्वर्ट हो गया 73 डिग्री 20 मिनट, लेकिन हम कन्वर्ट करते हैं, ये देखें 73 प्लस 0 डिग्री डिग्री दोनों का लहजा काट लिया, 3 3 लिख लिया डिग्री, आगे मैंने बताया कि 1 डिग्री को जब मिनट में करते हैं तो 60 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मिनट हो तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60, ठीक है। अब इसको करते हैं 73 जमा 0.33 मल्टीप्लाई 60 और ऊपर क्या लगा देंगे मिनट, तो जब इसको 0.33 को मल्टीप्लाई किया बेटा 60 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है ये देखें 73 प्लस इसका जवाब आ रहा है 19.8 मिनट, तो मिनट को आप सेकंड में करना पड़ेगा, दोनों का मिनट लहजा करें, 90 के ऊपर मिनट आ गया, जमा 0.8 के ऊपर भी मिनट आ गया, पॉइंट को लहजा कर लेते हैं, पहले जीरो लगाएं या ना लगाएं, पॉइंट से आगे वाले हिस्से को लहजा कर, 73 डिग्री, ठीक है, इसके ऊपर डिग्री भी डाल लें, और 19 मिनट
और 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 60 के साथ, और बाहर लिख देंगे ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया 73 प्लस 19 मिनट। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो आंसर आ जाएगा 48 सेकंड। तो आंसर फाइनली हमारे पास आ गया 73 डिग्री 19 मिनट 48 सेकंड, यही हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बहुत ही आसान है। इसी तरह 13 पाई ओवर 60 मल्टीप्लाई कर लेंगे जी 180 ओवर पाई के साथ, पाई पाई कैंसिल हो गया, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 180 के साथ और जो जो अब आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 16 के साथ। ये देखें 30 मल्टीप्लाई बेटा हम करने लगे हैं 180 के साथ, जो आंसर आया ये आंसर आया जी, जो भी आया है उसको डिवाइड कर देना है अपने 60 के साथ, तो उसका जो जवाब आ रहा है 146.25 डिग्री। लहदा करते हैं जी 146 डिग्री जमा 0.25 डिग्री, पॉइंट से आगे वाले को लहदा कर लेते हैं, 146 डिग्री जमा 0.25 मल्टीप्लाई 60, इसके बाहर ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा पावर के ऊपर मिनट, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 0.25 मल्टीप्लाई 60 तो इसका डायरेक्ट ही जवाब आ रहा है 15 मिनट। तो इसका फाइनली हमारे पास बेटा जवाब आ गया 146 डिग्री, इसके ऊपर भी डिग्री लगा लें, और 15 मिनट। लादा तीन लास्ट क्वेश्चन हमारे रह गया, बहुत ही आसान है, वो भी देखते हैं जी 13 जो क्वेश्चन है इसमें भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे कर 17 पाई ओवर 24 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, 17 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करें, 17 मल्टीप्लाई 180 ठीक है डिवाइड कर देना आपने 24 के ऊपर, तो ये बेटा आ रहा है पॉइंट में 127.5 डिग्री। तो 127 डिग्री लादा काट लिया, पॉइंट से आगे वाला हिस्सा लादा काट लेते हैं। अब आपको पता है कि डिग्री से मिनट में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 के साथ 0.5 मल्टीप्लाई 60 और कॉर्नर के ऊपर लिख देंगे मिनट, तो 127 प्लस करते हैं जी कितना आता है 0.5 मल्टीप्लाई 60, तो बेटा हमारे पास आ रहा है 30 मिनट, ऊपर मिनट लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा जी 127 डिग्री 30 मिनट। इसी तरह ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 25 पाई ओवर 36 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे जी 25 को 180 के साथ डिवाइड कर देंगे इसके साथ, 25 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइड हमने कर दिया है बेटा 36 के ऊपर, तो आंसर आ रहा है जी 125 डिग्री। लास्ट वन बेटा हमारा क्वेश्चन है, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, 19 पाई ओवर 32 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 180 ओवर पाई के साथ, पाई पाई कैंसिल हो गया, अब 19 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 19 मल्टीप्लाई 180 तो बेटा जो भी जवाब आए उसको डिवाइड कर देंगे 32 के ऊपर, तो इसका जवाब आ रहा है जी 106.875 डिग्री। तो उसी तरह पॉइंट से आगे वाले सारा लहदा काट लेंगे, जमा 0.875 डिग्री, दोनों के ऊपर डिग्री डालिए, इसको मिनट में कटते हैं जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश, किससे 60 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना, ब्रैकेट नहीं थी डालनी, यहाँ पर डालनी है, मिनट आ गया। इसी तरह 106 प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 0.875 को मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, इसके साथ 60 के साथ, तो आंसर आ रहा है जी फिर पॉइंट में ही आ रहा है 52.5 मिनट। इसको फिर किस में करेंगे जी 106 डिग्री पॉइंट 22 मिनट लहदा काट लें जमा 0.5 मिनट लहदा काट लें, दोनों के ऊपर मिनट डालना था, इसको आप फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 106 डिग्री जमा 52 मिनट और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये आ जाएगा 106 डिग्री 52 मिनट और 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ तो आंसर आ रहा है जी 30। ये यहाँ पर हमने क्या लगाना था ऐसे करके सेकंड, तो ये ऊपर आ गया सेकंड, फाइनली हमारे पास जवाब आ गया 106
डिग्री 52 मिनट और 30 सेकंड। इसी तरह बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान है। इसी तरह मेरा पहला लेक्चर है, इसी तरह मैं आपसे वादा किया इंशाल्लाह पूरा करूंगा, एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। जिसी तरह देखें बहुत आसान थे, आपको एक दो करने से ही समझ आ चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने इंशाल्लाह आपको एक एक क्वेश्चन करके दिया है। नेक्स्ट भी आपको इसी तरह 11 क्लास का और 12 क्लास का इंशाल्लाह हर क्लास का एक एक क्वेश्चन आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। इस तरह किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।